सोनाक्षी सिन्हा की बात की जाए तो इस टाइम पर सोनाक्षी सिन्हा का एक बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया इनके ससुराल में, इनके जहीर इकबाल के घर में। खैर, बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो इनके घर की, जहां पर बहुत ज्यादा लाइटिंग अप की गई। फैंस का कहना था कि सोनाक्षी सिन्हा बेशक एक बहुत ज्यादा बड़े घर की हैं, चाहे बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन खैर बात की जाए जहीर इकबाल की तो वो भी किसी अरे गहरे घर से नहीं, बल्कि वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। खुद भी एक्टिंग, डैबो, स्टाइलिंग में काफी ज्यादा नाम कमा रखे हैं बॉलीवुड में, लेकिन सोनाक्षी का मुकाबला शायद अभी भी जहीर नहीं कर सकते। लेकिन इनके घर रामायण में इनका आना जाना जरूर होगा, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा अपने ससुराल जिनके जहीर इकबाल के घर ही रहेंगी, और ये बात इन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी में कह दी है। लेकिन अगर इनकी शादी की बात की जाए तो इनकी शादी वाकई एक बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला माहौल था। फैंस का कहना था कि जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ही बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री रखते हैं। अगर इनकी डांसिंग की बात की जाए, इनकी केक कटिंग सेरेमनी की बात की जाए, या फिर इनकी निकाह की यानी कि इनकी लीगल पेपर्स को साइन करने की बात की जाए, तो हर चीज में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले हुए नजर आते हैं। फैंस को ये चीज इनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि आज तक बहुत सारे ब्राइड और ग्रूम देखे हैं, कहीं पर ब्राइड शर्मीली होती है, कहीं पर ग्रूम शर्मीला होता है, लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल भी शर्मीले नहीं है, बल्कि दोनों ऐसे हैं जैसे दोस्ती होती है। पर अगर दोस्ती बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते यानी कि शादी में बदल जाती है, तो वाकई इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। खैर व्यूअर्स, आपको इनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।